मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, है ना। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ वाला। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ओके, आपको ये प्रोडक्ट निकालना है इसका, है ना। जो भी दिया है, जितने भी क्वेश्चंस, आपको उन सब के प्रोडक्ट निकालने हैं और जो सुटेबल प्रॉपर्टीज है उसको लगाना है। ओके, सो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए वाला आपका दिया है कि 26 × -42 + -48 × -36, है ना। तो आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले इन दोनों में से, है ना, ये जो आपका 26 × -48 है, ठीक है, और -48 × -36, है ना। तो आपको इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 26 और -48 और -48 × -36, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस का 48, है ना। 48 इधर भी है और 48 इधर भी है, तो हमने माइनस का 48 कॉमन निकाल लिया। ओके, अब इधर क्या बचा है, 26, तो हमने लिख दिया 26। फिर क्या बचा है, प्लस, तो हमने लिखा प्लस। ओके, उसके बाद है इधर -36, तो हमने -36 लिख दिया, है ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, हमने देखिए कॉमन निकाला है -48 को, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी और डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, और ब्रैकेट्स में लिखे हैं हमने, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हमने फर्स्ट में हमने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी। ओके, सो -48 एज इट इज़ आ जाएगा, 26 प्लस माइनस माइनस, तो -36, -48 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 26 − 36 = 10, है ना। माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का सिंबल आ जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 48 × 10, है ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 × 10 कितना हो जाएगा, 480। ओके, नाउ सेकेंड वन आपका बी दिया है, 8 × 53 − -125। ओके, तो आपको इसमें दिया है ना, आप क्या करेंगे, देखिए। अब इसमें हमको कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने का समझ नहीं आएगा ना, कि अभी हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें। तो अभी हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, हमने देखा था a × b × c, है ना। तो हम a b भी लिख सकते हैं पहले, b c भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने 53 को लिखा है 8 × −125। ओके, सो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो 53 × अब −125 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, 53 का मल्टीप्लाई −1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, −53000। ओके, सो हमने यहाँ पर इस सेकंड वाले में, बी वाले में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। ओके, तो आपको ऐसे ही सी डी ई एफ जी एच, है ना, ये जो क्वेश्चंस है ये आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। प्रॉपर्टी, बस आपको प्रॉपर्टी लगानी है और इसको, इसके प्रोडक्ट निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स।